देन मिड वर्ल्ड टू लेट वर्ल्ड जो स्टेज है उसमें जो क्रॉप है वो 4 to 7 weeks आफ्टर इमरजेंस जब हो जाती है, तो उस केस में अगर हमारे पास जो इन्फेस्टेड प्लांट्स हैं उसमें 10 to 20% इन्फेस्टेशन दिखती है, तो उस केस में हम पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करते हैं। तो मेनली उसमें जो पेस्टिसाइड की स्प्रे होती है तो उसमें कैसी है, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस की हुई है, हमारी स्पाइनोट्रम है, देन क्लोरिंटोनिलीप्रोल है, और डिसिथायमेथॉक्सम लैम्डासाइहैलोथ्रिन है, मेनली वही पेस्टिसाइड हम स्प्रे कर सकते हैं। और ये जो पेस्टिसाइड है उसकी वो हम ऑल्टरनेट करके ही यूज करेंगे, ठीक है, जो सेकंड स्प्रे के साथ वो ऑल्टरनेट हम करके करेंगे। देन इसमें जो थायर डिकाब है वो उसकी पॉइजन बेट्स भी हम यूज कर सकते हैं, जो मैंने पहले भी आपको बताई थी वो हम इसमें यूज कर सकते हैं, इनसाइड द वर्ल्ड हम उसमें डाल सकते हैं। जैसे उसके बाद में हमारे पास एक स्टेज आती है लेट वर्ल्ड स्टेज, उसमें जो हमारी क्रॉप है वो 7 वीक्स ओल्डर हो जाती है, उसमें अगर हमारे पास इन्फेस्टेशन मोर देन 20% आती है इन्फेस्टेड प्लांट्स के ऊपर, तो इन दैट केस हमें क्या है कि जो फर्स्ट स्प्रे है किसी भी केमिकल की वो हम कर सकते हैं, जो हमारे पास ऑलरेडी मेंशन है, जो हमारे पास पेस्टिसाइड्स ऑलरेडी मेंशन है वही हम कर सकते हैं। टेस्लिंग स्टेज के ऊपर और जो हार्वेस्ट स्टेज के ऊपर अगर हमारे पास अटैक है वो 10% ईयर डैमेज आता है, तो उसमें हमें कोई भी इंसेक्टिसाइड एप्लीकेशन नहीं करने हैं, लेकिन मैनुअली उसको हमने पिक कर लेना है और जो लार्वा है उसको हमने डिस्ट्रॉय कर देना है, ऐसे हम इसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं। इस केसेस में आप ऐसे ही मैनेज कर सकते हो। तो जैसे मैं बोल रही हूँ कि थ्रेश होल्ड लेवल आ जाता है, तो थ्रेश होल्ड लेवल के लिए क्या सैम्पलिंग टेक्निक है हमारे पास, तो कैसे हम फॉलामिनम का डैमेज है वो हम देख सकते हैं, उसकी जो सैम्पलिंग टेक्निक है वो कैसे कर सकते हैं। तो ये मेनली डब्ल्यू पैटर्न में होती है, तो इसमें क्या करना होता है कि एक जो हमारा वर्कर है, जो हमारा फार्मर है, वो डब्ल्यू शेप में अपने फील्ड में वॉक करता है, उसमें वो क्या करता है वो मेनली ऑब्जर्व करेगा 10 प्लांट्स इन ईच स्टॉपिंग पॉइंट। हर एक स्टॉपिंग पॉइंट में वो क्या करेगा, जो 10 प्लांट्स को ऑब्जर्व करेगा और नंबर ऑफ प्लांट्स जो डैमेज है वो हम वो वहां पे रिकॉर्ड करेगा, नंबर ऑफ जो प्लांट्स डैमेज है वो रिकॉर्ड करेगा, देन उसकी जो परसेंट है वो निकालेगा और वहां पे एक बार रुक जाएगा। देन फॉर अनदर, जैसे इसमें अगर हम देखा जाए कि 10 प्लांट्स उसने सैंपल किए और इसमें से हमारे पास एक प्लांट है वो इन्फेस्टेड निकला है, तो इसकी जो परसेंटेज है वो हमारे पास 10% आ गई। देन अनदर देन वो देन आगे वो सेकेंड पॉइंट से थर्ड तक जाएगा, थर्ड से फोर्थ और फोर्थ से फिफ्थ तक जाएगा, लाइकवाइज वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितने प्लांट्स उसके ऊपर इन्फेस्टेड हैं और कितना उसका जो इन्फेस्टेशन कितनी परसेंटेज आ रही है। देन ये जो स्काउटिंग है वो एवरी वीक करनी होगी सीडलिंग टू इमर्जिंग स्टेज के ऊपर, ये स्काउटिंग इसको एवरी वीक करनी पड़ती है जब उसकी जो सीडलिंग है, देन इमर्जेंस तक एवरी वीक फ्रॉम सीडलिंग, जब उसकी जो सीडलिंग है वो इमर्ज हो जाती है तब से उसको ये स्काउटिंग करनी पड़ती है। देन मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी टू बी अडॉप्टेड इन इफ फॉर्म आर्मीवर्म हैज एस्टेब्लिश्ड इन एन एरिया, क्या कौन सी जो मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है वो हम कर सकते हैं जहाँ पे हमारे फॉल आर्मीवर्म का एस्टेब्लिशमेंट हो गई है। तो क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अलॉन्ग विद जो सिस्टेमिक प्लांट प्रोटेक्शन है इन एन एरिया वाइड मैनर में हम कर सकते हैं, उसकी जो फॉल आर्मीवर्म की पॉपुलेशन है उसको बिलो द इकोनॉमिकली डैमेज लेवल पे लाने के लिए, तो इसमें हम मेनली इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट अप्रोच यूज करेंगे। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में हम पहले कौन सा स्टेप यूज करेंगे, तो पहले हमें क्या करना होगा, सिंगल क्रॉस हाइब्रिड्स की सिलेक्शन करनी होगी और जो कल्टीवर्स हैं वो टाइट हस्क वाले हमें यूज करने होंगे, स्पेशली फॉर द जो हमारे पास स्वीट कॉर्न है, ताकि जो उसके लार्वे हैं वो जो हमारी ईयर कॉर्न है उसमें वो एंटर ना कर सके। देन डीप प्लोइंग कर सकते हैं बिफोर एवरी क्रॉप सीजन टू ओपन अप द सॉइल टू एक्सपोज द फॉल आर्मीवर्म प्यूपे टू सनलाइट एंड प्रेडेटर्स, ताकि जो उसके प्यूपे हैं वो जो सॉइल में प्यूपेट करते हैं तो वो एक्सपोज हो जाएं और सनलाइट को एक्सपोज होंगे, देन प्रेडेटर्स होंगे उसको एक्सपोज होंगे और वो अल्टीमेटली उसको कंज्यूम कर सकते हैं।
अगर जीरो टिलेज प्रैक्टिस की गई है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, नीम केक यूज करना पड़ेगा एट द रेट 5 kg पर हेक्टेयर, 500 kg पर हेक्टेयर हमें नीम केक यूज करना होगा। देन हमें मेंटेन करना होगा फील्ड को कि वहां पे कोई वीड ना हो। देन बैलेंस फर्टिलाइजर एप्लीकेशन यूज करनी होगी। देन मैक्सिमाइजेशन करनी होगी हमें प्लांट डाइवर्सिटी की बाय इंटरक्रॉपिंग ऑफ द मेज विद द सुटेबल पल्स क्रॉप्स के ऊपर। पल्स क्रॉप उसमें इंटरक्रॉप करनी होगी, मेनली इसमें मेज के साथ हम पिजन भी लगा सकते हैं। देन ब्लैक ग्राम और या फिर ग्रीन क्रॉप, ग्रीन ग्राम उसमें इंटरक्रॉप कर सकते हैं। नेपियर ग्रास में हम बॉर्डर रोज में लगा सकते हैं, जो हम यूज करेंगे हम एज ए ट्रैप क्रॉप फॉर फॉलन, वो हम यूज कर सकते हैं एज ए ट्रैप क्रॉप फॉर पॉलामिवम। देन हिल प्लांटिंग कर सकते हैं मेज की, उस जैसे मेनली हमारी जो हिल प्लांटिंग है वो की जाती है, लेकिन हमने इस केस में क्या करना है कि हिल प्लांटिंग को अवॉइड करना है। वन प्लांट शुड बी मेंटेन पर हिल बाय थिनिंग, तो इसमें क्या है कि हमें थिनिंग करके वन प्लांट, एक प्लांट को ही मेंटेन करना है। देन एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजनस और इरिगेशन कर सकते हैं आफ्टर कंट्रोल मेजर्स विल दे विल बूस्ट अप द क्रॉप ग्रोथ। इससे क्या होगा कि जो जो क्रॉप की जो ग्रोथ है उसको ये बूस्ट अप करेंगे। देन हम जो हमारी सोइंग टाइम है वो कम्युनिटी लेवल पे हम प्लान कर सकते हैं, ताकि जो इसकी सिंक्रोनस प्लांटिंग हो, ताकि इसकी प्लांटिंग सिंक्रोनस हो। अगर स्टैगर्ड सोइंग है तो इसमें अनवॉइडेबल पेरियर्बन जो हमारे पास बेबी कॉर्न है और स्वीट कॉर्न कल्टिवेशन है, उसको हमने स्प्रे करना है 5% नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट के साथ, और जादीरेक्टिन यूज कर सकते हैं एट द रेट 5 ml/L एट वीकली इंटरवल, या फिर इसमें हम रिलीज कर सकते हैं ट्राइक्यूग्रामा प्रोटीओसम और टीलोनोमस ट्रीमस भी यूज कर सकते हैं एट वीकली इंटरवल्स के ऊपर। देन फालामीवम के जो फिरोमन ट्रैप्स हैं वो हम इंस्टॉल कर सकते हैं एट द रेट 5 per acre ऑन और बिफोर जर्मिनेशन ऑफ द क्रॉप। जैसे ही उसकी जो जर्मिनेशन होती है या फिर उससे थोड़ा सा पहले हम वहां पे फिरोमन ट्रैप्स लगा सकते हैं। इससे हमें पता चल जाएगा कि जो पेस्ट है वो अराइव कर गया है हमारे फील्ड में, और इसकी जो पॉपुलेशन बिल्डअप है वो कैसे है, कितने इसमें पेस्ट का अटैक हो रहा है, कितने जो हमारा फॉलर है कितने नंबर ऑफ इंसेक्ट इसमें अवेलेबल है। देन इसमें हम 15 ट्रैप्स यूज कर सकते हैं मास ट्रैपिंग के लिए मेल मॉथ्स की, ताकि जो इसका पॉपुलेशन बिल्डअप है वो हम अंडर कंट्रोल रख सकें। देन इसमें हम बर्ड परचेज भी यूज कर सकते हैं एट द रेट 10 बर्ड परचेज लगाएंगे हम 10 per acre एज सुन एज द सोइंग इज कम्प्लीटेड। जैसे ही उसकी सोइंग कम्प्लीट हो जाती है उसमें हम बर्ड परचेज लगा सकते हैं। देन फॉलो वीकली स्काउटिंग करनी पड़ेगी, अडॉप्ट सिम्टम बेस्ड कंट्रोल मेजर्स ऑन एक्शन थ्रेशोल्ड जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं पहली स्लाइड्स में। देन वाइल्ड स्कॉटिंग हैंड पिकर डिस्ट्रॉय एग मासिस एंड न्यूनेट लार्वे बाय क्रशिंग और इमर्सिंग इन केरोसिन ऑयल। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे एग स्टेज है वो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और जो उसकी न्यूनेट लार्वे उसकी हम क्रशिंग कर सकते हैं केरोसिन ऑयल में डाल सकते हैं उनको। देन हमें इसमें कुछ प्रिकॉशंस भी लेनी होगी वाइल इसको कंट्रोल करते हुए, जो पेस्ट है उसको कंट्रोल करते हुए हमें कुछ प्रिकॉशंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें मेनली क्या है कि जैसे हमने बेट डालनी है या फिर पेस्टिसाइड स्प्रे करनी है, तो उसमें हमें यूज करने होंगे ग्लव्स और मास्क। जब भी हमने उसको जो पेट्स हैं वो बनानी है उसमें हमें ग्लव्स यूज करने होंगे। जैसे हमने पेस्टिसाइड एप्लीकेशन करनी है तो उसमें हमें मास्क भी यूज करना होगा। ऑल दी पेस्टिसाइड स्प्रे एंड पॉइजन बेट शुड बी अप्लाइड ओनली टू द वर्ल्ड। सिर्फ जो अटैक है मेनली वो वर्ल्ड के ऊपर ही आता है, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जो पेस्टिसाइड अगर हम स्प्रे भी कर रहे हैं या फिर पॉइजन बेट्स डाल रहे हैं तो उसमें उसकी वर्ल्ड में ही जानी चाहिए। देन एंटर द फील्ड ओनली आफ्टर ए मिनिमम ऑफ 48 आवर्स फॉलोड ए पेस्टिसाइड स्प्रे। जैसे हमने पेस्टिसाइड स्प्रे किया है तो उसमें हम 48 आवर्स का वेट करेंगे, तभी हम अपने फील्ड में दोबारा विजिट करेंगे। देन अवॉइड कैटल ग्रेजिंग इन पेस्टिसाइड स्प्रेड एंड पॉइजन बेटेड फील्ड्स एटलीस्ट फॉर ए 1 month। जैसे हमने अपने फील्ड में पेस्टिसाइड स्प्रे कर दिया है, मेज के ऊपर हमने पेस्टिसाइड स्प्रे किया है या फिर उसमें पॉइजन बेट्स डाली हैं, तो उसके ऊपर हमें जो हमारे एनिमल्स हैं उसकी ग्रेजिंग को अवॉइड करना होगा फॉर 1 month। 1 month के लिए हमें अवॉइड करना होगा, उसके बाद हम उसमें ग्रेजिंग करवा सकते हैं।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट इन्वेसिव पेस्ट दैट इज फॉल आर्मीवर्म. कैसे हम उसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, कौन कौन से उसके आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हमारे पास अवेलेबल हैं, देन जो उसके सिम्टम्स कैसे आते हैं प्लांट्स के ऊपर, जो कौन सी स्टेज उसके ऊपर मेनली अटैक करती है, किस क्रॉप के ऊपर आता है, फर्स्टली कहाँ पे इन्वेजन हुई थी, कैसे हम उसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं, कौन से हमारे पास बोटेनिकल्स हैं या फिर हमारे पास माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स हैं जो हम इसके ऊपर यूज कर सकते हैं, देन हमारे पास केमिकल पेस्टिसाइड्स कौन से अवेलेबल हैं, कैसे हम उसकी थ्रेशहोल्ड को चेक कर सकते हैं, और कैसे हम स्काउटिंग कैसे कर सकते हैं, ये सारा हमने इसमें आज डिस्कस किया है. आई होप कि आपको ये क्लियरली अंडरस्टैंडेबल होगा. सो थैंक यू ऑल. अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप हमारे चैनल को विजिट करते रहें, और आप इसका बेल आइकन भी दबा सकते हो ताकि आपको नई नई जो उसमें हम वीडियोस ऐड करेंगे उसकी नोटिफिकेशंस आती रहें. थैंक यू ऑल.